हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? हमारा न्यू ब्लॉग में स्वागत है। नमस्ते, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अमरूद कितना फरा है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, और ये भी देखिए कितना बड़ा बड़ा है। देखिए दोस्तों, देखिए ये पका नहीं है, कच्चा है। ये पका है। हाँ, वो चिड़िया खा चुका है। ये देखिए दोस्तों, हाँ से ये देखिए, लेकिन इसको खा चुका है भाई। और वहाँ पर भी है, पूरा चारों तरफ है अमरूद का पेड़। और फला है, देखिए कितना फरा है, देख सकते हैं आपको इसके दोस्तों। ओहो, और एक छोटा सा पक गया है, मैं आप लोगों को खा के दिखाती हूँ। ये दोस्तों, और दोस्तों तो यही खा रहा है दोस्तों। मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब अमरूद को इसी ने खा लेता है, पकने ही नहीं दे रहा है। खाने के लिए तो लगाए हैं, उसको ये खा लेता है। वो गिरा हुआ है एक, उसको चिड़िया ने मिट्टू मतलब वो तोता ने काट दिया। और दोस्तों हमारा मेथी भी फूल रहा है, देख लीजिए दोस्तों। ये मेथी फूल रहा है, ये देखिए, ये मेथी पूरा फूल रहा है। ये भी फूल, वो भी पूरा फूल रहा है। क्या करें, काम इतना है, कर नहीं पा रहे हैं। और धनिया भी है दोस्तों, ये देखिए आप लोग को दिखाती मैं। ये देखिए मेथी धनिया, हरा हरा धनिया पेड़। और एक पका हुआ है, ऐसे तो खत्म हो चुका है इसका फल, आपको दिखाए पिछले वीडियो पे। और एक और यहाँ पे पका हुआ है, ये वो देखिए दोस्तों कितना बड़ा है सीता का पेड़। एक बचा हुआ था और है वहाँ पे, और है, पका नहीं है, कच्चा है। ये देखिए दोस्तों, मिर्चा फरा नहीं है। ये देखिए घर में को हम लोग आज खानेंगे, अब आपको दिखाती हूँ दोस्तों, ब्लॉग में बने रहिए। ये देखिए मेथी खनने के लिए आए हैं मंडी ले जाने के लिए, आप लोगों को ब्लॉग में दिखाई थी। और वो धनिया है, छोटा छोटा है, तो मैं इसको तोड़ लेती हूँ दोस्तों, आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं इसको तोड़ लेती हूँ ऐसे, ये देखिए। रखना पड़ता है, तोड़ के ले जाता है। ये देखिए दोस्तों, मैं तोड़ रही हूँ मेथी पत्ता। और इसके मैं क्या करूँगी आप लोगों को दिखाऊंगी, तो ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों। ये दोस्तों, ये है मेथी भाजी। ये देखिए आज मैं क्या कर रही हूँ मेथी भाजी के, देखिएगा। देखिए दोस्तों, मैं आज क्या बनाई हूँ फिर उसको दिखाती हूँ। ये है मेथी भाजी, तो खिलाई हूँ। ये देखिए ना, हरा भरा है। ये है मेथी भाजी, को तोड़ लिया हूँ, अच्छी से साफ कर लिया हूँ। और इसको अब काट लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं इसको काट लिया हूँ। और इसमें डाल देती हूँ मैं पानी। ये देखिए, और इसको धो लेती हूँ अच्छी से। तो मैं आज क्या कर रही हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ दोस्तों। और ये देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं सूपा। ये देखिए दोस्तों, इसको हम लोग सूपा बोलते हैं। इसे मैं क्या करूँगी आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, देखते रहिए। और ये है गेहूँ दोस्तों, ये देखिए गेहूँ, इसको मैं
ऐसे सीधे से साफ करते हैं हम लोग। खेत में बुवाई करने के लिए साफ कर रही हूँ और पत्ता, ताकि जो मारेंगे बुवाई करेंगे लोग सिद्धि बोलते हैं दोस्तों, उसे बुवाई करेगा तो जो कचरा है वो फंस ना जाए, बीज अच्छी तरह से जाए। बने रही है दोस्तों, आप लोगों को दिखाती हूँ गेहूँ साफ कर के। इसके खेत में दवाई करने के लिए लिया गया, इसलिए साफ कर रही हूँ इसको, या पिछला ना खाए ऐसे नीम के पत्ते को रखे थे मिला के, इसी को साफ कर रही हूँ और कुछ नहीं है। ना लगे अगर कुछ नहीं डालोगे तो कई कई घर तो डंग लग जाता है, कीड़ा आ जाता है, तो इसलिए मैं इसमें नीम का पत्ता डाली हूँ, इसी को साफ कर रही हूँ दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, मैं पूरा एक बोरी गेहूँ को साफ कर लिया हूँ। ये देखिए इसको है दोस्तों, तो इसको साइड में मैं लगाती हूँ, देखिए पूरा साफ कर लिया हूँ। ये देखिए हमारा मेथी का भाजी उबल चुका है, उबाल लिए हैं और इसको हम धो लेते हैं अच्छी से, दो तीन पानी दो तीन बार धो लेते हैं। ये देखिए तो चलिए इसको धोते हैं, हम इसको धो लेते हैं। देखिए अच्छी तरह से पानी डाल डाल के उसको दो तीन बार धोएंगे। देखिए कहाँ से बतिया आ रहा है, तो आप लोग क्या कहते हैं बताइएगा, ऐसे काटने के लिए मेरी ही तरफ आ रहा है। देखिए ये देखिए अच्छी तरह से धो लिए हैं इसको और धो कर निचोड़ लिए हैं, ताकि इसके जो करवाहट है वो निकल जाए। ये देखिए दोस्तों, मैं आलू काट के रखी हूँ, ये देखिए, और इसमें हरी मिर्च, प्याज, लहसुन और ये टमाटर और ये जो मेथी का निचोड़ के रखा था वो है दोस्तों। तो मैं आज बना रही हूँ मेथी भाजी का सब्जी, और इसमें डाल दिया हूँ कढ़ाई पे तेल, देखिए, और मैं डाल दिया हूँ लहसुन, देखिए थोड़ा से भूनने देते हैं दोस्तों लहसुन को। ये हमारा लहसुन भून चुका है, इसमें डाल देते हैं, देखिए दोस्तों, ये देखिए आलू को डाल देते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा आलू भून चुका है, ये देखिए, और ये देखिए दोस्तों मैं इसमें डाल दी कढ़ाई पे डाल दी हूँ टमाटर और ये आलू जो भून के रखे थे, देखिए ये देखिए दोस्तों भून चुका है। और ये देखिए मेथी का भाजी है जो निचोड़ के रखी थी उबाल के, ये है देखिए। अब इसमें डाल देते हैं टमाटर, नमक, हल्दी, मिर्चा सब डाल देते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों शेरू कुछ भूख रहा है, कुछ दिख रहा है इसको, भूख रहा है और रात हो गया, अंधेला हो चुका है, ये देखिए थोड़ा अंधेला हो रहा है। अरे शेरू शेरू तो भौंक रहा है, कुछ होगा बिल्ली बल्ली। तो ये देखिए दोस्तों टमाटर पे डाल दी हूँ हल्दी, मिर्चा, नमक, ये देखिए इसमें डाल दिया हूँ मैं,
इसको गलने देती हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा टमाटर गल चुका है। इसको अच्छी तरह से ऐसे, ये देखिए हमारा टमाटर गल चुका है। अब इसी में डाल देती हूँ जो मेथी भाजी रखा था, तो इसको डाल देती हूँ, और जो आलू भून के रखा था उसको भी डाल देती हूँ। ये देखिए दोस्तों क्या अच्छा दिख रहा है, आलू मेथी सब्जी। ये देखिए इसको फिर से ढक देते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा मेथी भाजी का सब्जी बन चुका है। ये देखिए अच्छी तरह से एक बार दिख रहा है। ये देखिए तो ठीक है दोस्तों, खा के देखिएगा और बताइएगा कमेंट में कैसे लगा और क्या कमी है। तो ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो।